हाँ जी, तो यही है वो सरप्राइज जो मैं आपसे इतने दिनों से छुपा रहा था। हमारे गोस्ट और भूटू के बेबीज वर्जन 2.0, और है ना बहुत क्यूट, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और ये कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गाइस, सरप्राइज सरप्राइज, ये है हमारे गोस्टू मियाँ के लेटेस्ट प्रोडक्शन गोस्ट और भूटू के बच्चे 2.0। ये है चिंटू, कितना मोटू और कैसा हो रहा है देखना है। ओयो गिनी पिग, फर देखना इसका, गिनी पिग, गिनी पिग है, गिनी पिग। ये शायद ये भागना चाह रहा है। ये वाली सबसे खतरनाक है, ये वाली वाला है यार, ये तो ये सबसे खतरनाक होने वाला है। ये आजा 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 आजा, कम क्यों दिख रहा है, बोरी आपके पांव के नीचे। ओह भाई भाई, दोस्तों इनका नाम है फ्लिन। ओह माय गॉड, इसकी ये कैसे हुए क्या हुआ इसकी कहानी अभी आराम से सुनाऊंगा, पहले आप इनको देख लो। बाकी हमने दो का नाम रख दिया है, एक का नाम है चिंटू जो कि ये मोटू सिंह है। कितना भारी है भाई ये, ये अभी 25 दिन के हैं बाय द वे। इनका साइज देखना एक बार, अभी दोबारा शूट कर देना, ऐसे पकड़ो इनको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो ये है चिंटू, ये है फ्लिन। बाकियों का अभी हमने नामकरण नहीं करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बाकियों का क्या क्या नाम रखना है। बगीरा अच्छा नाम है। बगीरा किसका रखना है? बगीरा इसका। इसका? इसका? हाँ। चलो इसका नाम बगीरा रख देते हैं। बगीरा, बग्गू, बग्गू। ओए, एक काम है। उसको दियो। चॉकलेटी चॉकलेटी से कलर है इन दोनों का भी। मेरे तो हाथ में सुसु कर दी। हाँ ये करता रहता है, ये बहुत ही बैठा है, या तो चाटेगा या चुचू कर लेगा, है ना? दोस्तों ये जो गोस्ट के बेबीज हुए थे, गोस्ट भूटू के बेबीज जो हुए थे, जो पहले हुए थे, उनका कोट और इनके कोट में ना बहुत डिफरेंस है। देखो इनका कोट अभी से कितना लंबा है, और ये जो कोट होता है ये एज दे ग्रो अप ये लंबा होता जाता है। अच्छा काट रहा बगीरा। सबसे खतरनाक दांत अभी अभी तो आए, नए नए दांत, छोटे छोटे से दांत। ओहो, उसे दांत दिखा, देख दिखाना मंटू, दांत दिखाना। कितने छोटे से दांत है, छोटे से उसमें भी काट रहा है। एंड देयर सो क्लीन, अभी थोड़े और बड़े होंगे ना तो अपनी सुसु पट्टी में गंदे हो जाएंगे। Amazing. Hello. Flynn कौन सी है? Flynn ये। इसको देखना। तो पहचान कैसे रहो दो को? क्योंकि उसकी शक्ल देखो ना, बहुत different है उसकी बाकियों से शक्ल, बहुत ही सुंदर है। Hello Flynn. Hello Flynn. मुझे इसको देखना। ओए कितना गोलू गोलू है। कितना गोलू गोलू है। Simba. सिम्बा तो बहुत कॉमन नेम है यार। Obviously मैंने उसको ऐसे पकड़ा था, मैं बस इसलिए बोल रही थी। अभी हिमालयन आर्मी बताएगी इनके नाम सबके। फ्लिन और फ्लिन, बगीरा और चिंटू है ना? पड़ मार रहा बगीरा उसको। मोंटू एक्शन नीचे हो रहा है भाई, कुश्ती तूने छोड़ दी। आजा जी, आजा जी फ्लिनू। बगीरा तो घुस रहा था भी है। आजा फ्लिनी। काट तो रहा ही है। छपछे प्याली फ्लिनी। चिंटू खेलता तो कितने प्यारे हैं यार ये, कितने प्यारे। ओए चिंटू ने सुसु कर दी। चिंटू हर समय सुसु कर रहा है भाई। चिंटू तू कितना खा रहा है? चिंटू के पास ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है। कैसा लग रहा है वो देखिए, वो देखना चलता हुआ। अशिन क्यों बैठा दिया उसको, बेचारा जा रहा है। 25 दिन का है वो, कितना तगड़ा, कितना मोटू। ये गोश्त के बच्चे ना गोश्त के बाप होने वाले बड़े होके, वो बादशाह गोश्त से बड़ा है। अबे ओए काट काट। बगीरा थोड़ा एक्टिव है। अच्छा सुनो, ये वीडियो तो अभी आप देख ही लोगे, पर यार एक चीज बताओ, मैं आपको कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? अभी जाओ सब्सक्राइब करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वेट कर रहा हूँ। और सुनो, जब सब्सक्राइब करने जाओगे तो लाइक भी कर देना यार। कर दिया तो चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुंदर है यार ये, देखो दोस्तों लाइट में दिखाते हैं, देखिए देखो दोस्त, इतनी प्यारी है यार ये। और कोट कैसा है इनका, ये
गोस्ट ने ऐसा सरप्राइज दिया है ना, बाय गॉड। भाई और ये भी 25 दिन के हैं, इनका साइज देख लो आप भाई, ऐसा लग रहा है सेन बर्नार्ड के पपीज हों। देना ओ सो गई भाई, सो गई। दोस्तों ये हैं चिंटू जी, ये हम सबके फेवरेट हैं एंड ही इज़ द बिगेस्ट ऑफ द लॉट एंड सबसे क्यूट भी यही है और सबसे ज़्यादा शैतान भी यही है अभी तक तो, जो समझ में आ रही है हमें कहानी। चिंटू नाम इसका इसने रखा है, मम्मू ने चिंटू, प्लीज डोंट जज अस। बाकी फिर सुसु कर रहा है, अबे कितना सुसु करता है यार, अभी तो नहीं है मेरे पाँव में कोई सा। वो देख कर सुसु तो करिए उसने, वो देख। और बाकी चिंटू फिन फ्लिन चिंटू फ्लिन और बगीरा, और सबसे तेज है बगीरा, वो देखो अभी भी फुल पंगे फुल पंगे फुल पंगे बगीरा। ये सो गया कूद रहे, फोल्ड हो गया है। छोटू कैसे फोल्ड हो गए हो आप ये? हेलो छोटू, पोर्टेबल पोर्टेबल, इसका नाम पोर्टी है, पोटी नहीं, पहाड़ पहाड़ के लोग उसे नाम क्या बिगाड़ेंगे बोला ना। हम बच्चों से खेल ही रहे थे कि भोटू भी आ गई, और जैसे ही भोटू आई बच्चे तो भाई टूट पड़े उस पे, दुदू 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 दुदू, बिचारी उसको गिरा ही दिया और ऐसे चढ़ गए उस पे, देखना और उसको देखना चिंटू को ऊपर से चढ़ रहा है। वे देखते देखते 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और फिर भोटू ने कहा भाई बस करो यार बस करो, और अभी भोटू उठ के चले गई, तभी भी दूधू ढूंढ रहे हैं, दूधू कहें दूधू कहें दूधू कहें। और अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब कि ये बच्चे आखिर कब हुए, कैसे हुए, भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों इनकी कहानी ये है कि मैं तो मैक्स के ट्रीटमेंट में बिजी था, मैक्स की तबीयत खराब थी, आई वॉज ऑक्यूपाइड इन दैट, और पीछे से ऐसा मेरे को बताया गया है कि जो भोटू है ये हमारा कैफे है, और यहाँ से भाग के वो बाज़ार आ गई, और वहाँ गोस्टू के साथ जो भी रोमांस उसका हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ कैसे हुआ, बट वी वर नॉट श्योर कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था ना, वो सो ऑक्यूपाइड विद मैक्स, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। एंड देन यहाँ पे जो भैया रहते हैं प्रकाश भैया, जो देखते हैं सारे पपीज़ वगैरह को, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर ऐसा लग रहा है कि भोटू ये ना प्रेगनेंट है, डॉली है इसका नाम, ऐसे भोटू बस भोटू सुन लेती गुस्सा होती, तो वो प्रेगनेंट है बोल के लास्ट मंथ में हमें आइडिया आया, तो मेरे को लगा यार अच्छा ठीक है मे बी हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली एक बारी मीटिंग में ऐसे होते नहीं है पपीज़। एंड देन फिर कुछ दिनों पहले मेरे को फ़ोन आया कि भाई भोटू ने तो 6 पपीज़ के को जन्म दिया है, 6 मोटे तगड़े पपीज़, और ये आपको दिख ही रहे हैं। तो यही कहानी है, ऑल दो इस साल हम भोटू की ब्रीडिंग नहीं करवाने वाले थे, बिकॉज पिछले साल ही बच्चे हुए थे। कहा जाता है कि 2 साल का गैप रहना चाहिए अब मदर की हेल्थ को एकदम बढ़िया रखने के लिए, बट ये एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट बहुत ही बेहतर एक्सीडेंट हुआ है। वेन वी न्यू कि जब कि भोटू प्रेगनेंट, तो हमने उसकी डाइट वगैरह चेंज कर दी थी, सब कुछ चेंज कर दिया, अभी भी वो एक स्पेशल डाइट पे है, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हो कि ये 25 दिन के बच्चे हैं। दूसरा सवाल है क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर। देखो क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर दोस्तों बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिना नॉलेज के अपने घर पे अपने आपस में अपने दो ब्रीड्स के बीच में ट्राई नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं फिलहाल 1.5 साल से इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इस टॉपिक को साइड कर देते हैं और इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। इसको मजा आ रहा है, इससे दोस्ती हो गई मेरी। दोस्तों ये जो भी बच्चे हैं अभी तो हमें बहुत लालच आ गया वैसे, तो ऑब्वियसली ये भी अडॉप्शन के लिए जाएंगे,
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो लेट मी नो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल मत करना यार, ईमेल में तो ना, ईमेल मत करना। इंस्टाग्राम आईडीज है हमारी, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आओ, वहाँ पे मैसेज करो। अगर आप पिथौरागढ़ से हो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पपीज के लिए। अभी तो बच्चे हैं, 10-15 अभी रहेंगे, कुछ दिन ही हैं, 25 दिन के ही हैं अभी तो। जब ये 2 महीने के हो जाएंगे तो ये जाएंगे सारे के सारे। हो सकता है चिंटू को ना जाए, गोस्ट इनसे मिलेगा तो गोस्ट फटेगी। अभी तो ये बहुत छोटे हैं ना, अभी 10-15 दिन में थोड़े जब दौड़ने भागने लगे ना गोश्त की तो फाड़ देंगे, क्योंकि बच्चे डरते नहीं है ना गोश्त से, गोश्त की फटती है। मक्कू तुम्हारे मक्कू ताऊजी है ना, मक्कू हाँ, किसी भी इंसान के भी 6 बच्चे होंगे तो फटेगी उसकी। मक्कूची भी मिलाऊंगा, मक्कू ठीक हो जाएगा तो मक्कूची भी मिलाएंगे। मैं इन बच्चों से आपको बहुत जल्दी मिलवा देता, बट मैक्स की तबीयत खराब थी उस चक्कर में। फोटो बम मत करो, फोटो बम कर दिया बगीरा ने, फोटो बम कर दिया। ओए क्या लेंस हट, बगीरा ने फोटो बम कर दिया। आई जस्ट होप कि मक्कू एकदम ठीक हो जाए और मैं इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा अच्छा सा टाइम बिता पाऊँ, उसकी सर्जरी से पहले भी और फिर बाद में भी, क्योंकि सर्जरी के जब सर्जरी होगी तो फिर हमें 10-15 दिन वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पे भी हम जाएंगे, दिल्ली बरेली, तो फिर बच्चों के साथ ना प्रेशियस टाइम मिस हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ जितने भी दिन हो तो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, इनके साथ मज़े कर जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, सो गए हैं बच्चे, कितने क्यूटली सोए हैं यार, कैसे पैक होकर सोए हैं। एंड आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस बिग, देयर जस्ट 25 डेज एंड लुक एट देम, वाओ। ये तो मतलब वो कहानी है ना, दिवाली धमाका वही हुआ है, गोश्त ने वही करा है हमारे साथ दिवाली धमाका। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड अभी आने वाले कुछ दिनों में आप इन पपीज़ को देखोगे, बिकॉज मक्कू की सर्जरी से पहले एज आई सेड कि आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, एंड ऑब्वियसली आई नो हाउ मच यू लव देम। तो इनका नामकरण करेंगे प्रोफेशनली कल, अच्छे से प्रॉपरली रीति रिवाज के साथ, और अब कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, गुड बाय।